हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आज का वीडियो बहुत ध्यान से देख लेना, बहुत छोटा सा बनाऊंगा और कुछ काम की बातें ध्यान रखना जो हो सकता है आपने ना सोची हो उस तरीके से, तो मैं बता देता हूँ। क्योंकि देखो, अगर हम दो कॉलेज की बात करें, बोधगया और जम्मू, तो सारे लोग जानते हैं कि इन दोनों में अच्छा कॉलेज कौन सा है ना। तो अगर अच्छा कॉलेज है तो उसमें प्रपंच भी ज़्यादा होंगे, तो ध्यान से सुन लेना। इसमें हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेंगे जिपमेट 2023 की, और 2022 में चेंजेस क्या किए थे बोधगया ने वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना। ठीक, शुरू करते हैं। और हाँ, अगर अभी तक IPMAT इंदौर की प्रिपरेशन कर रहे हो, IPMAT 300 हमारा नहीं लिया है, तो गलती मत करो, हमारी वेबसाइट पे जाओ catipmat.com है ना /IPM300। टॉपर से पढ़ना है तो ये, मार्केटिंग के चक्कर में भगना है तो कहीं भी जाओ। ठीक है, चलो काम की बातें ध्यान से सुनना, बहुत हेल्प होने वाली है आज आपकी। पहला, बोधगया की बात करें अगर, है ना, तो अच्छा मोटा मोटा एक ओवरऑल कट ऑफ बता देता हूँ, चाहे बोधगया हो चाहे जम्मू, 350 प्लस जाएगा। अब 354 आई थिंक लास्ट ईयर भी गया था। एक चीज और ध्यान रखना, टॉपर के 382 या 384 मार्क्स थे, वो बहुत सारे बच्चों के 370-380 की लाइन में थे। ठीक है, अब 380 भी अगर हम बात करें, है ना, 380 आउट ऑफ 400, यानी सिर्फ 20 नंबर का अंतर है। 20 नंबर का अंतर मतलब सिर्फ 5 क्वेश्चन का डिफरेंस। जी सुन भाई, मतलब आपको एक चीज समझ लो कि अगर पिछले साल के हिसाब से जाए, बहुत लल्लू पेपर आया था, बहुत इजी, तो आपको 95 तो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे ओवरऑल। और अच्छा, ये 95 आउट ऑफ 100 घबराना मत, है ना, सारे बच्चों से बन जाते हैं, बहुत इजी पेपर। जैसे इस बार आपका रोहतक भी अच्छा गया है ना, आउट ऑफ 120 सबने 110 प्लस किए मैक्सिमम बच्चों ने। वैसे ही आप जिपमेट भी देखे आओगे तो बोलोगे अरे सर बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। और हाँ, एक्चुअल कट ऑफ जिपमेट के पेपर के बाद भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या जा सकता है। प्लस एक चीज़ और ध्यान रखना, घर से ये सोच के मत जाना कि मुझे 95 अटैम्प्ट करने हैं। गड़बड़ क्या होगी, बहुत रेयर चांस हैं, 2-4% ही चांस हैं, 99% वैसे 95% चांस है कि जैसा जिपमेट आता है वैसा ही आएगा ईजी। लेकिन अगर NT के हिसाब से बात करें तो इस बार उन्होंने CMAT का लेवल भी हाई किया था, तो जिपमेट का भी कर सकते हैं। तो अगर जिपमेट का लेवल इन्होंने बढ़ा दिया तो फिर हो सकता है कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम चले जाए, है ना, हो सकता है 380 ना जाके 300 पे ही आ जाए। तो घर से कुछ सोच के मत जाना, बस एक चीज़ दिमाग में रखना, हमें अपना 100% देना है, फिर चाहे जो भी हो, है ना, मेरी लाइफ की यही फिलोसफी है भाई, हमें अपना 100% देना है, फिर जो होगा देखी जाएगी। तो आपको भी वही करना है, कम करो, है ना, चलेगा, लेकिन ज्यादा के चक्कर में तुक्के लगाओगे तो आप ही का नुकसान है, पॉइंट समझना, है ना, नेगेटिव मार्किंग जबरन हो जाएगी। अब बोधगया ने लास्ट ईयर क्या किया था, देखो 2021 में तो ऑलमोस्ट बोधगया और जम्मू का सेम कट ऑफ था, है ना, लो भी था, बहुत कम बच्चों ने दिया था। लेकिन लास्ट ईयर बोधगया ने सोचा कि हम चलो थोड़ा स्मार्ट बनते हैं, तो उन्होंने गेम की, क्या गेम की, देखो क्वांट में जैसे 33 क्वेश्चन आते, इसमें भी 33 और ये 34, है ना। अच्छा, मार्क्स की बात करें तो 34 से 120 और 12 132, ये भी 132 मार्क्स का है और ये 136 हो गया, है ना। आउट ऑफ 132 इन्होंने क्वांट का कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए से 37 मार्क्स ही रखा। 37 मार्क्स का मतलब हो गया मोटा मोटा अब 10 क्वेश्चन अगर करके आ रहे हो 100% एक्यूरेसी से, तो आपका भाई इधर का कट ऑफ निकल गया। लेकिन यहाँ पे इन्होंने गेम कर दिए, DILR में ये पढ़ा दिया इन्होंने, यानी 22 क्वेश्चन अगर आप सही करोगे 100% एक्यूरेसी के साथ आउट ऑफ 33, तो आपका DILR का कट ऑफ निकलेगा जनरल कैटेगरी में। और इधर भी कितना आ गया, 18 क्वेश्चन मान लो मोटा मोटा, अपन थोड़ा हायर एंड पे जाते हैं, 18 4 से 72, है ना, आउट ऑफ 34 इंग्लिश में आपने 18 कर दी तो आपका निकल जाएगा कट ऑफ। इन्होंने यहाँ पे गेम कर दिया। जम्मू तो सीधा साधा बच्चा 50-50 मार्क्स ही रखे, 50 मार्क्स का मतलब अपन मोटी मोटी बात करें तो 13 क्वेश्चन तीन हो गए, है ना, तो ये आसान है। लेकिन ओवरऑल फिर आपके 350 प्लस आने चाहिए, इसको ध्यान में रखना। ऐसा नहीं कि 13-13 करके खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं घर आके, ओवरऑल 350 प्लस भी चाहिए। तो अगर पेपर ईजी आए तो आप तो कोशिश करना पूरे 100 अटैम्प्ट करने, है ना, 100 यानी 90 प्लस मिनिमम, ठीक है, दोनों कॉलेजेस के लिए। अब देखो बोधगया, जम्मू ने तो इस बार भी क्लियर कर दिया है कि भाई हमारा तो यही रहेगा 2023 में भी, है ना, हम तो यही चीज़ फॉलो करेंगे,
एंड मोमेंट पे नाटक करते हैं तो पता नहीं फिर वो अपना वो मेरिट लिस्ट आएगी। लेकिन बोधगया ने अभी भी क्लियर नहीं किया कि हम क्या करने वाले हैं। हाँ, सेक्शनल कट ऑफ रहेगा, ये तो कन्फर्म है। अब किस सेक्शन को क्या वेटेज देने वाले हैं अभी भी सस्पेंस है वो। तो आप अगर लास्ट ईयर के हिसाब से देखो, है ना, इनमें थोड़े थोड़े आप अब पेपर तो देखो लल्लू टाइप का ही था, बहुत ईजी था, तो सेक्शनल में आपको वैसी तो दिक्कत नहीं जाएगी। लेकिन हाँ, DILR में अगर मैं बात करूँ तो ध्यान रखना भाई कि अगर पेपर इजी आता है तो तीनों सेक्शन में आप 25 25 25 तो करो 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, पेपर बहुत इजी आता है तो देखो 75 हुआ, है ना, 75 फोर सा कितना हो गया, यही करेंगे ना 300। तो 300 ये वाले मार्क्स तो आ गए आपके कट ऑफ वाले से, अब आप ऊपर निकल जाओगे। मतलब 25 फोर सा 100 100 100 हम तो तीनों में मान रहे हैं कि हम ला रहे हैं, है ना। तो आप इस चीज में ये कुछ भी कट ऑफ कर ले, इधर साइड से तो आप ऊपर निकल गए। पॉइंट समझ में आया, यानी अब आपको सेक्शनल की चिंता तो नहीं है ना बोधगया में और ना जम्मू में। 25 25 25 तो आपने करनी ही है। पॉइंट समझ में आ गए, पेपर इजी टाइप अगर मीडियम भी रहा इतना। अब अगर हम आए ओवरऑल पे, तो जो भी सेक्शन आपको इजी लग रहा हो, है ना, अब मैथ्स में कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, 25 हटा दो तो 8, है ना, इधर स्लाइड पे कर लेता हूँ। मैथ्स में हमारे 8 बचे हुए हैं, DILR में भी 8 बचे हुए हैं और इसमें 9, है ना, और 25 ओवरऑल क्वेश्चन। अब इन ओवरऑल क्वेश्चन में 25 फोर से 100 होता है ना। अगर आप 15 क्वेश्चन भी कर लो, है ना, 15 फोर से 60 होता है, तो आप 360 मार्क्स आराम से ला सकते हो। अब इसमें वो कोई चक्कर नहीं, आउट ऑफ ये 15 करना है, 360 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, तो बचे हुए 25 क्वेश्चन में 15 किसी भी सेक्शन के कितने भी कर लो। एक मिनिमम अपने घर से सोच के जाओ कि अगर पेपर ठीक ठाक आया तो मेरे को तीनों सेक्शन में 25 25 25 तो करना ही है, है ना। तो यहाँ से हम क्या होगा, वो सेक्शनल से ऊपर उड़े जाएंगे। मतलब कि वो सेक्शनल का जो सरदर्द रहता है ना, वहाँ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, उससे आप ऊपर उठ जाओगे। तीनों सेक्शन में 100 100 नंबर का घर से टारगेट लेके चले जाना। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, है ना, और ऐसे ही जुड़े रहो। आगे चल के कैट में भी मैं ही आपके काम आने वाला हूँ। तो अभी तक सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।